हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम सी टी ई टी में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं जो हमेशा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। देखिए, सीटेट 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन वन में है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन टू, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। तो यह सही है, बहुबुद्धि सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। तो यह भी सही है, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना, यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, यह आलोचना नहीं है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, यह भी आलोचना नहीं है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, यह भी आलोचना नहीं है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो यह ऐसा नहीं है, यह आलोचना है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, तो यह इसकी आलोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग बनाती है। तो निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को योग बनाती है। शिक्षण में समय शिक्षार्थियों के समय पर नियंत्रण बनाए रखती है या विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो मानव बुद्धि में विकास की समझ शिक्षक विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग बनाती है। मानव बुद्धि में विकास की समझ शिक्षक को क्या बनाती है, विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग बनाती है। देखिए, 2013 में सीटेट में पूछा गया यह भी प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को एक शिक्षा को योग बनाती है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। यह भी सीटेट 2012 में पूछा गया है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ऑप्शन है वन, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विद्यार्थी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों से संबंधित हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास क्या होता है, सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यानी विकास एक क्रम के बाद दूसरा क्रम में होता है, क्रमिक रूप से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। इस क्वेश्चन को भी 2012 में पूछा गया है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत क्या है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है।
सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नहीं, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, विकास हमेशा रेखीय होती है। नहीं, विकास रेखीय नहीं होती है, विकास इस तरह से चलता है, विकास चल करके रुक जाता है, फिर एक समय में फिर तेजी से विकास में तेजी से विकास होता है, कभी धीमा पड़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेखीय नहीं होता है विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास का सिद्धांत सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह राइट है, क्योंकि सभी का विकास दर समान नहीं होती, किसी का विकास दर बहुत तीव्र होती है तो किसी का विकास दर धीमी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सभी का विकास दर समान नहीं होती है, विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति से क्या लेना देना है, पृष्ठभूमि को समझने से आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना ये शिक्षक को जरूरी नहीं है। बच्चों को क्या आर्थिक पृष्ठभूमि है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह सोचना शिक्षा का काम नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर को पहचानने में नहीं, शिक्षा का एक काम नहीं है सामाजिक स्तर से पहचानने के लिए शिक्षार्थी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षा की सहायता करता है, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी सीटेट 2011 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। अंतर संबंध का सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता यानी विकास निरंतर होते रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, इस तरह से चलते रहता है विकास, विकास कभी रुकता नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, इस क्वेश्चन को भी सीटेट 2011 में पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुक्रमिकता मानव विकास का सिद्धांत है नहीं है पूछ रहा है, प्रतिवर्ती यह भी मानव विकास का विशेष सिद्धांत पर आधारित है, निरंतरता मानव विकास का विशेष, समान से विशिष्ट की ओर, समान से विशिष्ट की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बोल रहा है मानव विकास का कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो इसमें से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यह हो जाएगा राइट आंसर समान से विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इस क्वेश्चन को 2011 में पूछा गया है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर,
शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करते हैं। ये इस क्वेश्चन को भी सीटेट 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की वृद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। बोल रहा है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। बिल्कुल, बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, यह सही है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है बालक को, तो यह भी सही है। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, तो इसमें यह भी ऑप्शन सही है कि आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति उसके बारे में जानता है कि उसका पारिवारिक स्थिति क्या है, उस प्रकार से शिक्षा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी हो जाएगा, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ऑप्शन 1, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यह मानव व्यवहार को जानने का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान कि मानव का व्यवहार कैसा है, किस प्रकार का है, तो इसी को हम मानव के व्यवहार को जानने की शिक्षा को मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? यह बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है कि यदि कोई बालक शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा है तो वह संवेगात्मक और सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाता है। कोई बच्चा अगर शारीरिक विकास से पिछड़ा है तो वह उससे परस्पर संबंध का सिद्धांत से वह सामाजिक और संवेगात्मक और बौद्धिक विकास में भी वह पिछड़ा रहेगा। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा
के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। यह मनोविज्ञान शिक्षा के अंतर्गत ही हम जान पाते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक संभव है। यह मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। तो आंतरिक कारक कौन कौन सा है जो बालक को प्रभावित करता है। बुद्धि, शारीरिक कारण, अनुवांशिक कारण। तो बुद्धि भी आंतरिक कारण है बालक को प्रभावित करने का, शारीरिक कारण भी है आंतरिक कारण, अनुवांशिक गुण भी है बालक को प्रभावित करता है आंतरिक रूप से। तो यह आंतरिक कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विषय को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। आर्थिक स्थिति, बिल्कुल आर्थिक स्थिति है जो बालक को विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक स्थिति, बिल्कुल है सामाजिक स्थिति भी बालक के विकास को प्रभावित करने का एक कारक में से बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जीवन की घटनाएं, जीवन की घटनाएं भी बालक को विकास को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक और जीवन की घटनाएं तीनों विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। किसी भी बालक को यह तीनों स्थिति ही विकास को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा। शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक या आर्थिक रूप से संपन्न बालक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा। स्वाभाविक है सामाजिक आर्थिक रूप से जो संपन्न बालक होगा उसका विकास अधिक होगा। शारीरिक रूप से विकलांग बालक का विकास अधिक होगा ही नहीं, आर्थिक रूप से संपन्न बालक का भी विकास नहीं। इसका राइट ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि सामाजिक आर्थिक, दोनों दिया हुआ है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो बालक संपन्न रहेगा उसका विकास अधिक होगा, तेजी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गयात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गयात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो हम देखते हैं कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत बताता है कि लगभग बालकों के गयात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। विकास क्रम की एकरूपता यानी एक रूप से अगर विकास क्रम हो रहा है, विकास का क्रम हो रहा है, एक समान होता है, तो यही हमको बताता है बालकों के गयात्मक और भाषाई विकास एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 18। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए जरूरी है, बालक की समस्या का निदान करता है, निदान करने के लिए बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए आवश्यक है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए भी यह शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि बाल विकास के सभी आयामों का उनका जानकारी हो। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए और बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जाए यह भी जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को। तो इस प्रकार से हम इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है। बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का
बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था, जन्म से लेकर नहीं बल्कि बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का बोल रहा है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है जन्म के, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान। बालक के जन्म से लेकर पौढ़ावस्था तक नहीं, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 20, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, उपर्युक्त में से सभी। और बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक आवश्यक है किसके लिए? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है बाल मनोविज्ञान, प्राथमिक शिक्षक के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े पाए जाते हैं? बिल्कुल सही है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे होते हैं? बिल्कुल सही है कि शारीरिक रूप से जो औसत बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होगी जिन बच्चे में, तो वे शारीरिक रूप से भी उनका विकास अच्छा होगा, विकास काफी आगे होगा, सामाजिक रूप से भी, संवेगात्मक विकास में भी वे आगे होंगे। तो इसका हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत से ही हमें पता चलता है कि शारीरिक रूप से, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से कोई बच्चा अगर औसत से अधिक कोई बच्चा का वृद्धि होती है तो यह हमें पता चलता है कि वह शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे होगा। तो यह परस्पर का सिद्धांत से ही हमें पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। और ऑप्शन को देख लेते हैं, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत नहीं, एकीकरण का सिद्धांत यह भी नहीं, विकास की दिशा का सिद्धांत नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? बाल मनोविज्ञान के उपयोगिता के अंतर्गत बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक। शिक्षा की आर्थिक गति में सहायक को बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक इसको रखा जा सकता है, बाल निर्देशन में सहायक यह भी, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी यह भी सही है। तो इसको नहीं रखा जा सकता, पूछ रहा है कि अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, तो शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक इसको बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के, शिक्षा की आर्थिक प्रगति क्या है नहीं है तो बाल मनोविज्ञान शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका कुछ उपयोगिता नहीं है इसमें, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायता। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समान की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो मानव विकास का संबंध समान से विशिष्ट की ओर, समान से विशिष्ट की ओर होती है मानव विकास का क्रम। जैसे कोई बच्चा अगर कोई भाषा को सीखता है तो पहले आ बोलता है या आ लिखता है, उसके बाद एक शब्द लिखता है आम, उसके बाद एक सेंटेंस लिखता है आम मीठा है या आम खट्टा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर विकास, बालक का विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है समान से विशिष्ट की ओर। थैंक यू।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।